बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी, और इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। दोस्तों ये देखें, ये मोटर, वैसे तो आपने मोटर बड़ी साफ साफ देखी होंगी, लेकिन इधर मोटर बिल्कुल मटेरियल से हटी हुई है। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर यही होता है कि मोटरें इस डिज़ाइन पर होती हैं, मटेरियल से हटी हुई होती हैं, और तो उसूली तौर पर साफ़ होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अक्सर इस पर मटेरियल जम जाता है। इसके बाद एक वीएस कपलिंग, कपलिंग के ऊपर एक कपलिंग गार्ड होता है जो कि यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा आपको, लेकिन ये होना चाहिए उसूली तौर पे सेफ्टी के हवाले से। इसके बाद एक ट्रांसमिशन, ये ब्लू कलर का या गियर बॉक्स जो कि स्पीड रिड्यूसर है, स्पीड को कम करता है। इसके अंदर तेल होता है, गराड़ियाँ होती हैं, जो भी ये सिस्टम आपको पता है। किसी वक्त आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दूँगा। उसके बाद ये किसको चला रहा है, ये देखिए इसकी आउटपुट स्पीड ये है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता ये इस सिस्टम को चला रहा है, इस पैन कन्वेयर को चला रहा है। बहुत लंबी पैन कन्वेयर है, ये देखें बहुत तरह से घूमती है, काफ़ी लंबी पैन कन्वेयर है जिसको ये चला रहा है। और इसकी आवाज़ सुने, आवाज़ क्यों दे रही है, ये आवाज़ इसलिए दे रही है कि बिल्कुल खुश्क है, यहाँ पे लुब्रिकेशन होनी चाहिए। खुश्की की वजह से, खुश्क होने की वजह से इतनी नॉर्मल साउंड दे रही है। ये स्प्राकेट कहलाता है, ये चेन है इसके, और ये पैन कन्वेयर है, और ये इसके व्हील्स है, और ये इसकी रेल है। तो ये सब सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं, और वो मेरे इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये जो जाली है, ये मेश कहलाती है, सेफ्टी मेश होती है, ग्रिल भी कहते हैं, मेश भी कहते हैं, ये यहाँ पे होनी चाहिए। इस वक्त यहाँ पे आपको मिसिंग नज़र आ रही है। मिसिंग क्यों है, जब ये काम करते हैं तो फिर इनको मिस करके इधर फेंक देते हैं। अब इसको हम लगवाएंगे वापस और इसको रिस्टोर करेंगे। और जो कपलिंग गार्ड है वो ये है, आपके सामने पड़ा हुआ है कपलिंग गार्ड भी, इस कपलिंग का ये गार्ड है, और वो दूसरी कपलिंग का छोटा होना चाहिए। यहाँ पे भी कपलिंग गार्ड, यहाँ पे इसके लिए जगह बनाई होती है, इसके नीचे जगह है, इसके ऊपर कपलिंग गार्ड होना चाहिए, लेकिन मिस किया हुआ है, निकाला हुआ है। इसका भी हम रिपोर्ट करेंगे कि इसको होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको इसमें से कुछ फ़ायदा मिला होगा। ये फाइव चाप को नज़र आ रहे हैं जो जा रहे हैं, ये ऊपर बैक फिल्टर है उसको जा रहे हैं, यहाँ से हवा खींचते ताकि डस्ट जोड़ती है, इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, डस्ट उड़नी नहीं चाहिए इससे। सीमेंट, एक तो सीमेंट का नुकसान है, तो उसको रिसाइकल करना चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए हवा में, और हवा को भी ख़राब करता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको इसमें से अच्छा नॉलेज मिला होगा। नॉलेज मिला है तो हम सब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी के निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।